हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सिबरी 2 लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, जो कि 9 मई और 10 मई को आपको लिया गया था। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया था। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत थी, करंट अफेयर बहुत डीपली पूछा गया था, या फिर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो पजल में बहुत सारे टाइम टेकिंग क्वेश्चन डाला गया था, और मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम टेकिंग कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन डाले गए थे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे यह कहना था। तो इसी के आधार पर आज हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ये वीडियो बनाया है, जो 9 मई और 10 मई को आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सिबिली 2 लेवल 4 और लेवल 6 का। तो देखिए, बहुत सारे चैनल्स पे भी मैंने एनालिसिस देखा, और वहाँ पे भी बहुत सारे चैनल पे मतलब पोल भी किया गया था। तो वहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा कितना अटेम्प्ट किया गया है, और क्या आपका आंसर मतलब आने पर आप अपना मैच तो ज़रूर किए होंगे कि मेरा लगभग इतना क्वेश्चन तक सही हो सकता है। तो इसी के आधार पे मैंने वो वोटिंग भी चेक किया है, कितने से कितने अटेम्प्ट के यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है पोलिंग। तो मैंने यहाँ पर देखिए एनालिसिस करा, तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर उन्होंने बताया कि टाइम टेकिंग के वजह से 70 से 80 के करीब में लगभग 60% स्टूडेंट है इतना, जो कि अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हुए हैं। और उनकी एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी भी उनका लगभग ऐसा उन्होंने कहा है कि 80% या फिर 75+ रहने वाली है एक्यूरेसी। बहुत सारे स्टूडेंट ने 90+ भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन फ्रेंड्स, अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है जब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं हो जाता है। किसी के 10 गलत हो जाते हैं, किसी के 20 भी गलत हो जाते हैं। तो इन सभी के आधार पर मैंने एक बहुत सारे चैनल का एनालिसिस करके भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, जो कि ये आपको निकल के आ रहा है कि जनरल कैटेगरी का 75 से 82 यानी कि 75 से 82 तक कट ऑफ जा सकता है। पेपर भले ही टफ था स्टूडेंट, लेकिन फिर भी जितना एग्ज़ामिनर को लेना होगा, जितनी सीटें हैं उस हिसाब से कट ऑफ इतनी जाने की उम्मीद है कि जनरल कैटेगरी की 75 से 82 तक जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो 70 से 75 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। और देखिए एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 62 से 67 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। वही अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 58 से 64 नंबर तक ये कट ऑफ जा सकता है। और देखिए, ये कट ऑफ +2 -2 करके भी आप चलिएगा, क्योंकि अलग अलग जोन का आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। जो बहुत डेंजर जोन नहीं है, जिसमें कट ऑफ हाई नहीं जाता है, उसका कट ऑफ 2-3 नंबर नीचे भी जा सकता है, या फिर और जो हाई लेवल के जोन्स हैं उसमें 2-3 नंबर ऊपर भी जा सकता है। तो ऑन इन एवरेज अगर आपका इतना क्वेश्चंस यानी रॉ मार्क्स आप इतना कर पा रहे हैं कट ऑफ के लिए एनटीपीसी सिबिली 2 रेलवे एनटीपीसी के लिए, तो आपका 100% आपका सिलेक्शन होना तय है एनटीपीसी सिबिली 2 एग्ज़ाम्स के लिए। इतना कट ऑफ लगभग 90 से 100% यही कट ऑफ, जब आपका रिजल्ट आएगा तो यही कट ऑफ जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए।